हेलो फ्रेंड्स, आप सबनों स्वागत है मारी चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में। तो आज आप चैप्टर 9 जो है फास्टनर्स एट्ले कि बंधको, तो फास्टनर्स की शुरुआत करिए छे। तो एना पहला अगर तमे मारी चैनल में नवा छो तो सब्सक्राइब कर दो बराबर। तो टेम्पररी फास्टनर्स एंड परमानेंट फास्टनर्स एट्ले कि टेम्पर एट्ले हंगामी फास्टनिंग और बीजों आवशे कायमी फास्टनिंग एट्ले कि बंधको। तो टेम्पररी एट्ले शू तमने एना उपरती खबर पड़ गई हे कि भाई टेम्पररी फास्टनिंग द्वारा पार्ट्सनु जोड़ाण जे छे ए टेम्पररी करी शकाय छे अने जोड़ाण करेला पार्ट्स पैकीना एक पण पार्ट्स ने तोड़्या विना ज तेमनी वच्चेनुं जोड़ाण जे छे ए छूटू पाड़ी शकाय छे। जेम के आपणे एक्जाम्पलनी बात करीए तो छे नट छे, बोल्ट छे, ओके, पछी स्क्रू छे, पई कोटर छे, पीन छे वगैरे। आ बधा फास्ट टेम्पररी फास्टनिंगना उदाहरण छे। अगर परमानेंटनी वात करीए तो जेम के आपणे ब्रेजिंग करता होईए, सोल्डरिंग करता होईए, पछी रिवेटिंग करता होईए, वेल्डिंग, हा मस्त उदाहरण है वेल्डिंग, परमानेंट तोड़ी नाखे एवं। तो टेम्पररी फास्टनिंग में शू है कि भाई मशीन स्ट्रक्चरो जो है मोटे भागे टेम्पररी बनावामां आवे छे। कपलिंग आप जुए बराबर, शाफ्ट कपलिंग वगैरह, आ बदा टेम्पररी फास्टनिंग उदाहरणों है। तेना वड़े जोड़ेला जो टेम्पररी फास्टनिंग है ये सहलाई थी आप काढ़ी सके। जम के आप स्क्रू की बात करिए तो स्क्रू ने अगर कोई जगह पर भरायो हे तो ये आराम से आप विथ द हेल्प ऑफ डिसमिस, ओके, तो एना आप निकाली दई शकी। पर परमानेंट फास्टनिंग के आप ब्रेजिंग कर लीए, कोई बात वेल्डिंग कर दीधु हो बराबर, तो ये निकाली इजीली निकाली नहीं सकता, का तो पे अपने मटेरियल ने जैसे भांगू पड़े, तोड़व पड़े, ओके। तो एवं बंधकों ने अपने परमानेंट फास्टर कहेवामां आवे छे। तो स्टील स्ट्रक्चरो जे छे ए परमानेंट फास्टनिंग होय छे मोटे भागे बराबर, कि ज्यां आगर आपणे छूटूक पाड़ी शकाय नहीं बराबर। तो ए प्रकारना उदाहरणों आपणे परमानेंट फास्टनिंग कहेवामां आवे छे। जो फ्रेंड्स, टेम्पररी फास्टनिंग में केवुं छे कि भाई आपणे एज कम्पेर टू परमानेंट फास्टनिंग एवो एक फायदो छे कि आमां आपणे टेम्पररी में केवुं छे कि भाई मटेरियल ने तोड़िया विना ज बराबर पार्ट ने जरूर बने त्यारे जोड़ी शकीए छीए, जरूर पड़े त्यारे छूटू करी शकीए छीए। आथी आ बधा मशीनो जे छे टेम्पररी फास्टनिंग, यानी कि मोटा मोटा जे मशीनो छे, मशीनना पार्ट्स छे, स्ट्रक्चर छे बराबर, अथवा तो बीजा कोई एंजीनियरिंग उत्पादनों बराबर, तो ये बधुं आपणे शू छे टेम्पररी फास्टनिंग मेथड थी बनाईए छीए। सो आपणे अगर बदलवुं होय तो इजीली रहे तो त्यां आपणे टेम्पररी फास्टनिंग उपयोग करीए छीए बराबर, जेथी करीने आपणे इजीली एने खोली शकाय, टाइट करी शकाय, ढीलू करी शकाय वगैरे वगैरे। हवे नेक्स्ट आपणे जोईए स्क्रू आटाना प्रकार। जो कोईनो आटो ढीलो होय तो कही दीजो, आपणे फिट करी दईए बराबर। तो चलो डिफरंट डिफरंट आटाना प्रकारो जोईए। तो स्क्रूना आटा कंईक आ प्रकारे छे, BSW एटले के ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ, बीजू आवे BA यानी कि ब्रिटिश एसोसिएशन, त्रीजो आवे सेलर्स अथवा तो अमेरिकन स्टैंडर्ड आटा, चौथो आवे आंतरिक यूनिफाइड आटा यानी कि इंटरनल यूनिफाइड थ्रेड, पांचमो आवे एक्सटर्नल यूनिफाइड थ्रेड एट्ले कि बाह्य यूनिफाइड आटा, छठू आवे एक्मे थ्रेड, सातमो आवे बटरेस थ्रेड, आठमू आवे नकल थ्रेड अने नवमू आवे स्क्वेर थ्रेड। तो मित्रों आ बधानी इन्फॉर्मेशन आपणे जोई लीए एक विडियोना माध्यमथी। तो फ्रेंड्स आ छे ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड, जेमां तमे एंगल जे छे ए जोई शको छो 55 डिग्रीनो छे अने वन थ्रेड थी सेकंड थ्रेड सुधीनी जे छे ए छे पीच दर्शावामां आवेली छे, तेमज रेडियस अने डायामीटर तमे जोई शको छो। तो मित्रों आ जे छे ए फिगर छे ब्रिटिश एसोसिएशन स्क्रू थ्रेड, जेमां तमे हाइट जोई शको छो, एनी पीच जोई शको छो, ओके, अने एनो एंगल जे छे 47.50 डिग्रीनो छे एंगल तमे जोई शको छो, रेडियस पण आपेली छे अने एक थ्रेड थी लईने बीजा थ्रेडना अंतर सुधीनुं मापने आपणे पीच कहेवामां आवे छे, डायामीटर जोई शको छो, ओके। देन आफ्टर धीस इज फिगर इज कॉल्ड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड, ओके, तो जेमां तमे आ रीते थ्रेड जे छे अमेरिकानो होय छे, अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड आ रीते यूज करे छे, जेनी डिग्री आपणे जोईए तो 60 डिग्रीनो ए खूणो बनावती होय छे, पीच तमे जोई शको छो, एनो डायामीटर भी तमे आकृतिमां जोई शको छो। आ पहेली ફિગર તમે જોશો તો એ છે બ્લાઇન્ડ ઇન્ટરનલ થ્રેડ, યાની કે ઇન્ટરનલ થ્રેડ કેવા હોય છે અને જે એના અંદર આપણે નાખીએ છીએ જે સ્ક્રૂને એને આપણે એક્સટર્નલ થ્રેડ કહેવામાં આવે છે, તો એ તમે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ થ્રેડ તમે જોઈ શકો છો એ કઈ રીતે છે। તમારા બુકમાં સેકન્ડ ફિગર જે છે એ દર્શાવવામાં આવેલી છે, એ કંઈક આ પ્રમાણે છે એક્સટર્નલ થ્રેડ અને ઇન્ટરનલ થ્રેડની। હવે નેક્સ્ટ જે ફિગર છે એ આ છે એકમે થ્રેડની, જેમાં તમે પીચ નું ડિસ્ટન્સ જોઈ શકો તેમજ એનો ડિગ્રી જોઈ શકો છો, તો 29 અંશની ડિગ્રી છે, ડાયામીટર તમે જોઈ શકો છો અને ક્રેસ્ટ એનો જોઈ શકો છો, સી એટલે કે ક્રેસ્ટ। આ આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો એ છે બટરેસ થ્રેડના ફોર્મ છે, જેમાં તમે જોઈ શકો છો એની જે એંગલ જે છે એ 45 ડિગ્રી આપેલો હોય છે,
અને તેની પીચ તમે જોઈ શકો છો, તેમજ તેનો ડાયામીટર બી તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, આ આકૃતિ તમે જોઈ શકો છો એ છે નકલ થ્રેડના ફોર્મની, જેની ડિગ્રી જે છે એ 30 ડિગ્રીના થ્રેડ એંગલ આપેલા હોય છે. તમે જોઈ શકો છો આ પ્રમાણે હોય છે. હવે બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે આપણે બીજી ફિગર કંઈક જોઈએ, એ કંઈક આવી છે. તો મિત્રો, આ છે નકલ થ્રેડની ફોર્મની ઓરિજિનલ આકૃતિ, તો જેમાં તમે જોઈ શકો છો પીચનું માપ કેવું છે, અને પીચ બાય 2 અગર કરીએ તો એનો હાફ પોર્શન ડાયામીટરનો આપણને મળે છે, એટલે કે આપણને માઇનોર ડાયામીટર તમે જોઈ શકો છો, મેજર ડાયામીટર તમે જોઈ શકો છો આ ફિગરમાં. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ, આ છે સ્ક્વેર થ્રેડ ફોર્મ, તો તમે તેની પીચ જોઈ શકો છો, તેમાં તેના દાંતા પણ જોઈ શકો છો. ઓકે, ડાયામીટર તમે જોઈ શકો છો, માઇનોર ડાયામીટર મેજર ડાયામીટર કેવો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા છો તો પ્લીઝ ડૂ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ઇટ. ઓકે ધેન, બાય, સી યુ લેટર.